ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं है और न ही पूर्ण रूप से सत्य। अगर फिर भी वीडियो देखने के बाद किसी पाकिस्तानी या भारत में मौजूद पाकिस्तानी लवर की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो वो अपनी उंगली अपने पिछवाड़े में डाल के अपने मुँह में डाल लें, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुँह ना खोलें। हेलो, बात करते हैं पाकिस्तान के बड़बोले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हलवाई फवाद चौधरी की, जिसको आपने अक्सर हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सुना होगा। ये हैं तो पाकिस्तानी मिनिस्टर, लेकिन ज्ञान हमेशा भारत को लेकर ही पेलेंगे। फवाद चौधरी को पाकिस्तानी आइंस्टीन भी कहा जाता है। वो बात और है कि असल आइंस्टीन के ये बाल के बराबर भी नहीं। फवाद चौधरी बचपन से एक हलवाई बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर मिनरल वाटर, फवाद चौधरी का नया कारनामा सामने आ गया। सरकार ने मिनरल वाटर तैयार कर लिया। चुनची गाड़ी, जो चुनची है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है। और रॉकेट के नाम पर निरोध बनाया है। हाल फिलहाल फवाद चौधरी एडवांस टाइप का रॉकेट बना रहे हैं, वो भी कागज का, जो 100% मेड इन पाकिस्तान होगा। कहा जाता है कि फवाद चौधरी 2022 में इस रॉकेट को आसमान में लॉन्च करेंगे, जो कि पाकिस्तान की ओर से पहला मिशन होगा जो चांद की सतह पर जाकर उतरेगा। और वो चांद दूसरा कोई नहीं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा होनहार रिपोर्टर चांद नवाब होगा। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। ये पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने कागज से रॉकेट बनाने का कारनामा कर दिखाया। इससे पहले भी फवाद चौधरी काफी कुछ बना चुके हैं, जैसे हाई डेफिनेशन कैमरा, दूरबीन, हवाई जहाज, नाव, बस, कार, लेकिन सब कुछ कागज से। बस इसी हुनर और काबिलियत को देखते हुए इमरान खान ने फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय सौंप दिया, जिस पर फवाद चौधरी सच्चे मन, धन और तन से काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी इतने ज्ञानी नेता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्रिकेट को स्पोर्ट से दूर रखें। क्रिकेट को स्पोर्ट से दूर रखें। भाई, इस बंदे का बस चले तो ये फिल्मों को कलाकार से, पहियों को कार से, अर्थव्यवस्था को व्यापार से और पाकिस्तानी रोडीज को वकार से दूर रखे। तो भाई लोग अजय देवगन की गर्दन को थोड़ा आराम देते हैं और शुरू करते हैं फवाद चौधरी की बायोग्राफी। तो भाई लोग, फवाद चौधरी का जन्म कब हुआ था ये तो अब तक एक रहस्य बना हुआ है। फवाद चौधरी ने हर जगह से अपनी उम्र और जन्म तिथि को ऐसे छुपा रखा है जैसे इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बीवी ने अपने चेहरे को। फवाद चौधरी का जन्म दिना में हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था इसका जवाब तो खुद पोर्गी नहीं ढूंढ पा रहे। बचपन से फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था कि जहां दूसरे बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ने में ध्यान लगाते थे, तो वहीं फवाद चौधरी क्लासरूम में सबसे पीछे बैठकर नए नए आविष्कारों की खोज में लगे रहते थे। जैसे किताब में रखकर मोर के पंख डबल कैसे करें, पेंसिल के छिलके को दूध में मिलाकर रबड़ कैसे बनाएं, एक रिफिल की इंक दूसरी रिफिल में कैसे डालें और गैस छोड़कर क्लासरूम का टेम्परेचर कैसे बढ़ाएं आदि। लेकिन फवाद चौधरी की इन हरकतों की वजह से इनके माँ बाप इतने परेशान हो गए थे कि एक दिन फवाद चौधरी को उन्होंने नंगा करके बहुत पीटा था। उनके पिछवाड़े पर इतने बार किए जितने 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर, जिससे फवाद चौधरी का पिछवाड़ा इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि वो अपना पिछवाड़ा देखने के लिए शीशे की ओर अग्रसित हुए। फवाद चौधरी, जिन्होंने अपना पिछवाड़ा कभी नहीं देखा था, वो शीशे में अपना पिछवाड़ा देखकर बोले, अले बापले, दो टुकड़े कर दिए। और उसी दिन से फवाद चौधरी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति लगाव निरंतर कम होता गया और उन्होंने हलवाई बनने की ठान ली। फवाद चौधरी ने हलवाई बनने के लिए मैकडॉनल्ड्स का ठेला लगाकर शुरुआत की, लेकिन ये बर्गर बेचते कम थे और खुद खाते ज्यादा थे, जिसकी वजह से इनका धंधा तो धीरे धीरे सिमटता गया, लेकिन पेट लगातार बाहर आता गया। लेकिन फवाद चौधरी ने हार नहीं मानी। फिर इन्होंने पाकिस्तान स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान खोली, लेकिन विज्ञान में बचपन से रुचि होने के कारण ये अपनी मिठाइयों में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, जो कि मिठाइयों के शौकीनों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिनमें सबसे मुख्य था ब्लैक समोसा, रायते वाली बूंदी के लड्डू, चटपटा
गाजर का हलवा, बिना चाशनी के रसगुल्ले और जलेबी। इसके अलावा इन्होंने और भी कई मिठाइयों और पकवानों में एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे बिना दही की कड़ी, बगैर पनीर के शाही पनीर, बगैर बेसन के पकौड़े और बिना चावल की बिरयानी आदि। लेकिन इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी फवाद चौधरी को इन सब में भी नाकामयाबी ही हाथ लगी और इनका हलवाई बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इसके बाद फवाद चौधरी ने कानून की पढ़ाई की और वकील बन गए, लेकिन लोग इन्हें अपना केस तो देते थे लेकिन केस लड़ने के लिए पैसे नहीं। और इस तरह फवाद चौधरी न चाहते हुए भी एक समाज सेवक के रूप में बन के उभरे और इसी का फायदा उठाते हुए फवाद चौधरी कॉन्फिडेंस में आकर 2002 में पाकिस्तान के आम चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। लेकिन पब्लिक ने इन्हें ज्यादा देर खड़ा रहने नहीं दिया और फवाद चौधरी को बहुत बड़े अंतर से हार मिली। फवाद चौधरी को मात्र 161 वोट मिले। कई दिनों तक तो फवाद चौधरी को ये समझ नहीं आया कि ये 161 वोट हैं या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्कोर। जब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फवाद चौधरी को कुछ हाथ नहीं लगा तो इन्होंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन यहाँ भी कुछ हाथ न लगने की वजह से इन्होंने 2012 में APML भी छोड़ दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2012 में फवाद चौधरी को प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और 2013 में प्रधानमंत्री परवेज अशरफ के सूचना और राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका सिलसिला 2013 तक चला। 2013 में एक बार फिर फवाद चौधरी पार्टी बदलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़े, लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए फवाद चौधरी ने हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि पार्टी भी ऐसे बदली जैसे टीवी पर प्रोग्राम के बीच विज्ञापन आने पर आप चैनल बदल देते हो। लेकिन फवाद चौधरी राजनीति में अपना पैर जमाने में हर जगह असफल रहे। इसी बीच पैसों की तंगी की वजह से फवाद चौधरी ने नियो न्यूज चैनल ज्वाइन किया और खबर के पीछे शो होस्ट करने लगे। अपने होस्टिंग के निराले अंदाज से जल्द ही फवाद चौधरी ने खबर के पीछे शो को कवर के पीछे बनाकर रख दिया था और इसी वजह से इन्हें नियो न्यूज चैनल छोड़ना पड़ा। उसी दौरान इमरान खान और उनकी दूसरी बीवी रहम खान के बीच तलाक का मामला गरमाया हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इमरान खान की दूसरी बीवी से तलाक का केस फवाद चौधरी ने ही लड़ा था और केस जीते भी थे। इससे खुश होकर इमरान खान ने फवाद चौधरी को PTI ज्वाइन करने का ऑफर दिया। 2016 में हुए नेशनल असेंबली के उपचुनाव में एक बार फवाद चौधरी फिर खड़े हुए और हर बार की भांति इस बार भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि हार शब्द की खोज ही फवाद चौधरी के लिए ही की गई थी। फिर 2018 में फवाद चौधरी की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट आया जिसका इन्हें बरसों से इंतजार था और आखिरकार 2018 के पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में फवाद चौधरी को जीत का स्वाद चखने को मिला। जीत के बाद फवाद चौधरी की हालत ये हो गई थी। शुरुआत में फवाद चौधरी को सूचना एवं प्रसारण का मंत्रालय दिया गया, लेकिन अपना मंत्रालय संभालने की बजाय फवाद चौधरी टिकटॉक पर ज्यादा समय बिताते थे, जिससे परेशान होकर इमरान खान ने इनके बचपन के साइंस के प्रति लगाव को देखते हुए 2019 में इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया और आज वही बचपन की हुई खोजों को फवाद चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। और बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो फवाद चौधरी ने 2 शादियां की, पहली बीवी लापता है और दूसरी बीवी का नाम हिवा खान है, जिनसे फवाद चौधरी ने 2015 में शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है। और बाप पहचान कौन? तो दोस्तों ये थी फवाद चौधरी की बायोग्राफी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और रोस्ट वीडियोज एंड फनी बायोग्राफी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।